अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब, एक नए व्लॉग के साथ फिर से आपके खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा, मेरा प्यारा, मेरा खूबसूरत सा बेटा। ये सुबह का वक्त है और अभी तक ये सो रहा था। मैंने इसको इतना उठाया इतना उठाया, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। और इसकी भी तबीयत ख़राब थी, दो तीन दिन से इसका गला बहुत ख़राब था, क्योंकि एक तो गर्मियाँ चुकी थी और गर्मियों की वजह से जो बच्चे जो है वो पंखे के नीचे सोते हैं ना, तो उनका गला बहुत जल्दी सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसके साथ भी यही मसला हो गया था, तो इस वजह से दो तीन दिन से ये स्कूल भी नहीं गया। और फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। ये देखिए मैं चाय बना रही थी और फिर मैंने सोचा कि नाश्ता करूँ और इसके बाद अपनी बेटी को स्कूल ले जाऊं, क्योंकि आजकल इनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे और इसी वजह से मिड टर्म एग्ज़ाम है ना इनके, तो इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो ये देखिए मैं भी चाय बना रही थी और फिर सोचा चाय बनाने के बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जाऊं। और सुनाया आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का दिन कैसे गुजर रहा है और आप लोगों की मसरूफियत कैसी है? कि आप लोगों की भी यही मसरूफियत है, सुबह बच्चों को उठाना, फिर उसको स्कूल ले जाना, फिर घर के काम करना, घर की सफाई करना, फिर सौदा ले आना, फिर कुकिंग करना, यही कुछ मतलब चलता रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जिस वक्त से मैंने होश संभाला है यही घर के काम चल रहे हैं, यही झाड़ू पोंछा, यही बर्तन धोना, यही कपड़े धोना, और आज तो मैंने कपड़े भी धोने थे। और ये देखें ये जो क्लिप्स है ये सब मिक्सअप हो गया है। ये सुबह का वक्त था, फिर मैंने अपने बच्चे को ये स्कूल नहीं गया था, इसको मैंने नहला धुला कर फिर ये पेंटिंग करने के लिए बैठ गया। ये देखिए ये भी पेंटिंग कर रहा था और स्पाइडरमैन की जो पिक्चर है इसको कलर कर रहा था। और बच्चों की जो है ना यही आदत होती है ना, या पेंटिंग करना, मतलब इनको मुख्तलिफ कलर्स जो है, ब्राइट कलर्स इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। मेरे बेटे की भी यही हालत है, इसको भी जो ब्राइट कलर्स है ना, जैसे येलो, रेड, मतलब यही कलर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ना, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ये पेंटिंग कर रहा था और मैं साइड में बेटी चाय पी रही थी और इसको भी देख रही थी। और हाँ, ये देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा इनकी, मेरे बेटे की आवाज़ को। और आप लोग देखते रहें और इन्जॉय करें। जी जनाब, ये मेरे बेटे की जो स्पाइडरमैन की जो पिक्चर है ना, ये तो कलर ही नहीं हो रहा था। इसको देख देख कर ना मेरा सर चकरा रहा था, पूरा एक घंटे से भी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन इसकी पिक्चर जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। और ये देखिए, ये पता नहीं आजकल के बच्चों को पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये पेंटिंग करता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये खेले कूदे, बाग दौड़ करे, क्योंकि जब बच्चे जो है वॉक वगैरह करते हैं ना, घर में खेलते हैं, तो इनकी हाइट भी अच्छी हो जाती है और इनका खाना भी जो है हज़म हो जाता है। लेकिन अभी ये एक मतलब एक घंटे से तो ये यहीं पर लगा हुआ है। लेकिन पेंटिंग भी सेहत, बच्चों की सेहत के लिए अच्छी होती है, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो देखिए अभी ये कर रहा था पेंटिंग। और जी जनाब, मैं अभी नाश्ता करने के बाद, अपने बेटे से फारिग होने के बाद मैं कर रही थी, सुबह ही सुबह मैंने मशीन लगाया हुआ था। और क्योंकि जो है वो कपड़े भी जमा हो गए थे और साथ में मैंने कुछ दरिया वगैरह भी धोनी थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो ज़्यादा कभी चाय गिरा देता है, कभी कुछ गिरा, और क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो कभी कुछ गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है, और इसी वजह से फिर अगर गंदा हो तो फिर मुझे सुकून नहीं मिलता। इस वजह से मैंने सोचा कि इनको भी धो लूँ साथ में। और आजकल जो है गर्मियाँ भी हैं, अगर सफाई वगैरह ना करें तो मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ये बच्चों के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो भी इसी वजह से सुबह ही सुबह मैंने मशीन लगाया था। अभी मैंने सोचा ये छोटा सा क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और
कपड़े धोने के बाद फिर मैं देखूँगी कि और मुझे क्या करना है, यदि मैं निकाल रही थी। और हाँ, साथ में ब्लैंकेट्स भी मैंने धोए हुए थे और इसको भी मैं निकाल रही हूँ। और मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी ना आजकल, तो इसने उल्टी वगैरह की थी, वॉमिटिंग की थी, तो इस वजह से इस कंबल पर किया हुआ था, तो इसको मैंने धोया और ताकि ये भी साफ़ हो जाए और अच्छी तरह से धुल जाए। और ये जो मशीन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है लेकिन ये बहुत साफ़ कपड़े धोता है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें अगर मैं ब्लैंकेट डालूँ या दरिया डालूँ तो ये आराम से धो लेता है और अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। हाथ से तो बिल्कुल नहीं होता, हाथ से उतना साफ़ नहीं होता जितना मशीन में होता है। ये देखिए, अब इसमें मैं कपड़े डाल रही थी, वो भी जो कच्चा कुचा सा है, छोटी मोटी जो हम लोग हमारे जो एरिया में है ना, वो हम लोग जो कपड़ा वगैरह है उसी से शीशा वगैरह साफ़ करते हैं ना, जो पुराने कपड़े हैं, तो उसको मैं एंड में डालती हूँ ना मशीन में, ताकि वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह से धोने के बाद खुश करूँगी और इसको इसी तरह फोल्ड करके अलमारी में रखूँगी। तो आप लोग रहे मेरे साथ। और अब मैं ये दरी जो है ये मशीन से मैंने निकाल लिया था और अब इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। ये मैं इसी तरह वॉश करती हूँ और इसे बहुत अच्छी तरीके से धुल जाता है, उसका सारा जो सर्फ का पानी है वो निकल जाता है। और इसको वॉश करने के बाद फिर मैं इसके रखूँगी स्टूल पे, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और इसको फिर मैं सुखाने के लिए फैला दूँगी ना। ये देखिए, मैं तो सोचती हूँ ये पानी भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है ना। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम अपने परवरदिगार के कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो बिल्कुल वही पानी की नेमत को देखे। अगर ये पानी ना हो तो इंसान किस तरह सफाई करे, किस तरह बर्तन धोए, किस तरह कपड़े धोए, किस तरह नहलाए, मतलब ये सब कुछ जो है पानी की वजह से पॉसिबल है। और देखिए ये जी था, अब मैं कपड़े वगैरह धोने के बाद आ गई थी घर की कमरों की सफाई के लिए और सारा दिन बस वही कपड़े समेटो, घर को समेटो। ये देखिए, अब मैं आ रही थी कमरों को साफ़ करने के लिए और ये देखिए। और एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि मतलब आप जो है वही डेली मशीन वैक्यूम वगैरह दिखाती हैं तो कोई डिफरेंट दिखाए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिफरेंट में क्या दिखाऊँ, यही तो मेरी डेली रूटीन है। और ये जो मेरा वीडियो है, मेरा व्लॉग है, ये डेली रूटीन के बारे में ही है, वही रूटीन जो मैं रोज़ाना घर में करती हूँ, घर में घर के काम, वही वैक्यूम वगैरह। और वैक्यूम वगैरह तो डेली ही इंसान करता है, ये कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, कुकिंग करना, बच्चों को नहलाना, तो ये सब कुछ डेली रूटीन में ही आता है। और मेरा जो व्लॉग है वो तो मैंने पहले से ही कहा था कि मैं ये डेली रूटीन के बारे में है, मेरी डेली रूटीन जो मैं घर में करती हूँ वही मैं आप सबको दिखाती हूँ। और अब इसमें मैं डिफरेंट कहाँ से लाऊँ, मैं मुझे नहीं लगता मैं कुछ डिफरेंट कर पाऊँगी, बस जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ वही आप सबको दिखाती हूँ कि मैं डेली रूटीन में क्या क्या काम करती हूँ, वही घर की सफाई सुथराई, कपड़े धोना, वैक्यूम करना मेरी डेली रूटीन में शामिल है। तो यही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखते रहेंगे और मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे।
और हाँ जी जनाब, ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी और अभी मैं वीडियो देख रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे जिलजिला आ गया हो, सब कुछ इतना ही रहा था क्योंकि मैं क्या करूँ, तो कैमरा जो है वो मेरे हाथ में था तो इस वजह से ये हिल भी रहा था क्योंकि मैं वॉक कर रही थी, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, साथ में आप सबको भी अपने साथ ले जा रही थी। तो कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कोई प्रोफेशनल तो मैं नहीं हूँ, ना ही मैं मतलब कोई कैमरामैन हूँ, बस जितना आता है उतना करती हूँ और शौक़ से करती हूँ, लगन से करती हूँ, और ये चाहती हूँ कि आप लोग भी लाइक करें मुझे, मेरे व्लॉग्स को देखें और अप्रिशिएट करें क्योंकि प्रोफेशनल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी अभी तो मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब, आज मैं चाह रही थी कि मैं जो अलमारी है उसकी सफाई ना करूं, लेकिन लगे हाथों इसकी भी सफाई हो गई, पता नहीं मुझसे रहा क्यों नहीं जाता। मैं कोशिश कर रही थी कि इग्नोर करूं, बस छोड़ू अलमारी को, आज तो मैंने कपड़े वगैरह धोए हैं, लेकिन फिर भी वही मैं बस मजबूर ही हो गई। मैंने सोचा कि चलो ये भी करती जाऊँ, और ये देखिए सब कुछ इतना बिखरा हुआ है जैसे कोई तूफान आया हो, और अब इसका मैं क्या करूँ, यहाँ पर पड़ा हुआ है सब कपड़े वगैरह, उसको मैंने समेट लिए, अब मैं आ गई हूँ। ये देखिए अब तो, ये देखिए मेरा बेटा, ये नहीं सुधरेगा, ये देखिए इसने क्या किया है, अभी मुझे दिखा भी रहा है कि देखो मैंने क्या किया। तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसके साथ मैं क्या करूँ, ये पता नहीं इसके जो पाव की उंगलियाँ है ना, वो फिंगर्स है वो कहीं लगा हुआ था ना, तो इस वजह से इसको चोट लगी थी थोड़ी सी, तो अब इसको जो है ये जो है क्रीम लगा रहा था, ये देखिए, और मुझे तो काम करने ही नहीं दे रहा था। ये देखो अब इसके ऊपर पाउडर लगाएगा। अल्लाह में कुर्बान, ये देखिए सारा दिन इसका यही काम है ना, अलमारी खोलेगा, सब कुछ बाहर निकालेगा, उसको फिर मैं वापस अंदर रखूँगी, मेरा तो डेली काम ही यही है। और आप लोग कहते हो कि सेम वही काम है, मतलब आप लोगों की जो डेली रूटीन है वो मुझसे मुख्तलिफ है। आप लोग मतलब सुबह जो है उठते हो तो वैक्यूम वगैरह नहीं करते, बर्तन वगैरह नहीं धोते, मेरा तो यही डेली रूटीन है और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए ये अब यहाँ पर खड़ा हो गया है, सारा दिन इसका यही काम है। और अभी देखिए ये मुझे करने ही नहीं दे रहा था वॉइस ओवर, लेकिन मैं भी बहुत डीट हूँ, मैंने वॉइस ओवर कर ही दिया। ये देखिए सब कुछ बिखरा हुआ है, ये देखिए जिलजिला आया हुआ है एक, ये देखिए, और ये देखिए ये सब कुछ, मैं इसकी जो पेंटिंग का सामान है ना उसको मैं चाह रही थी कि मैं ठीक करके रखूं, और लेकिन इसमें कुछ ठीक करने को था ही नहीं। और जनाब ये घर जो है वो समेटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और आज तो कुछ ज़्यादा ही सब कुछ बिखरा हुआ था, और मैं चाहकर भी इनको समेट नहीं सकती थी। मैं तो हैरान थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ये देखिए अब ये फ्रिज के ऊपर लगा हुआ है, मैं क्या करूँ, पता नहीं सबके बच्चे इसी तरह या सिर्फ मेरा बेटा ही इसी तरह है। और जी जनाब ये देखिए ये अपने ग्लासेस में यहाँ पर रख रही थी कि इसको ना तोड़े, क्योंकि दो तीन ग्लासेस ये तोड़ चुका है ऑलरेडी, अभी देखिए फ्रिज के ऊपर लगा हुआ है, देखिए तौबा क्या करूँ मैं इसका, एक तरफ से समेट रही हूँ तो ये दूसरी तरफ से बिखेर देता है। और मेरा तो काम ही ये है, सबसे पहले जो है मैं कचरा वगैरह समेट लेती हूँ ना, क्योंकि ये वैक्यूम के सामने आ जाता है, और जो कि मतलब अगर ये वैक्यूम मशीन में फंस जाए तो फिर वो अच्छी तरह से काम नहीं करता ना। और ये देखिए ये मैं प्लास्टिक वगैरह में सब कुछ समेट रही थी जो कचरा वगैरह है, ताकि मैं बाद में वैक्यूम कर सकूँ।
जी जनाब, ये आप लोगों ने देखा मेरे बेटे ने जो शाहकार बनाया था, इतने सारी अजीब गरीब पेंटिंग जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर। ये देखिए सब कुछ उलट पुलट। मैं तो सोच रही थी कि मैं करूँ क्या, अब इसका मैं क्या करूँ, इसको मैं कहाँ रखूँ, मैं सोच ही रही थी बस। ये देखिए जी जनाब, मैं भी यही अब कमरे वगैरह को समेट भी रही थी और साथ में सोच भी रही थी कि मैं आज क्या बनाऊं। इतनी मैं आज थकी हुई थी, इतने सारे कपड़े दरिया और कंबल वगैरह मैंने धोए हुए थे और पता ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि अगर बच्चों की जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं आज कुछ भी ना बनाती, आराम से सो जाती। मेरे लिए तो चाय का एक कप ही काफ़ी है और मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ ना, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। तो अगर मुझे कुछ खाने को ना भी मिले, और स्पेशली जब मैं किसी दिन ज़्यादा काम करती हूँ या कोई डीप क्लीनिंग करती हूँ या मतलब जो है कपड़े वगैरह देती हूँ, या अगर कि एक्स्ट्रा जब मैं सफाई करती हूँ या कोई एक्स्ट्रा काम करती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती, बस मेरे लिए एक चाय का एक कप ही काफ़ी है ना। तो अभी तो बच्चों की जिम्मेदारी भी है, पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे, मैं उनके लिए क्या बनाऊँ। सोच रही थी कोई सिंपल सा डिश बनाऊँगी जो टाइम भी कम, जिसके लिए टाइम भी कम दरकार हो और इजी सा भी फटाफट सा बने और बच्चों को भी पसंद हो। बस वही साथ में भी मैं ये सब साफ़ भी कर रही थी और बाद में एंड में मैं मशीन करूँगी ना, क्योंकि जब ये शेल्फ वगैरह पर ये अलमारी वगैरह पर जितने भी कचरा या गर्द हो तो जब उसको मैं साफ़ करूँगी तो उसके बाद ही फिर मैं वैक्यूम करूँगी, ये मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा ना। ये देखिए अभी मैं अलमारी वगैरह को साफ़ कर रही थी, फिर मैंने सोचा इकट्ठे ही एक्सटेंशन लगाऊंगी और उसके बाद मैं वैक्यूम करूँगी कमरों को ना। लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि मैं आज क्या बनाऊँ, क्योंकि सुबह ये सबसे मुश्किल काम है कि आज क्या बनाए। एक दफ़ा तो मैंने लिस्ट भी लगाई थी कि सैटरडे को ये बनेगा संडे को ये बनेगा, लेकिन उस लिस्ट पर जो है अमल भी नहीं हुआ, वो लिस्ट वही पड़ा रहा, बाद में उसको मैंने फेंक दिया क्योंकि उस पर अमल ही नहीं हो रहा था। और जिनके यहाँ बच्चे हैं ना वो समझ सकते हैं मेरी बात को, क्योंकि बच्चों का है ना एक पसंद नहीं होती। अगर एक बच्चे को आलू पसंद है तो दूसरे को चावल चाहिए, अगर दूसरे को चावल चाहिए तो तीसरे को कुछ और चाहिए, मैंने नूडल्स खाना है या मैंने मकरोनी खानी है, तो ये सब कुछ तो चलता रहता है। सुबह जो है एक ड्रामा सा लगा होता है ना हर घर में, जहाँ तक मेरी वो है ना इंफॉर्मेशन है या जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे मेरे जो है वो 3 बच्चे हैं
तो वो मुझे पता है कि बच्चों का जो घर है वो किस तरह होगा। एक तरफ से एक आवाज़ आएगी कि मेरे लिए चावल बनाए, तो दूसरी तरफ से आएगा नहीं आलू बनेगा, तो तीसरी तरफ से होगा नहीं क्यों आलू क्यों बनेगा, आज तो नूडल्स मामा बनाएंगी। तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा और बीच में बसेगा कौन, बीच में जो है वो माँ बसेगी कि किस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करे और किसकी नहीं करे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब इन तीनों के दरमियान ज़्यादा वो हो जाता है ना, तो मैं कहती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी, जिसने खाना है खाएँ, जिसने नहीं खाना ना खाएँ। तो ये सारा जो है ये किस्सा है। और ये देखिए अवन भी इतना गंदा हो रहा था, इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों इसको अच्छी तरह से धो लूँगी और फिर वो इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जनाब हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर जो मेरी रिलेटिव भी है, वो मुझसे कह रही थी कि आप बातें ही नहीं करती हैं, सिर्फ वीडियो शूट करती हैं और उसमें ज़्यादातर जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं क्या कहूँ मतलब, फिर अब लेकिन जब मेरी जो सब्सक्राइबर है उसने कहा कि नहीं आप बातें भी करें, तो मैंने कहा ठीक है, आइंदा मैं इतनी ज़्यादा बातें करूँगी कि आप लोग अगले कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आप इतनी ज़्यादा बातें क्यों करती हैं। जो मेरे दिल में आएगा वही मैं आप सबसे शेयर करती जाऊँगी और आप लोगों को बताती जाऊँगी कि ये है आज ये हुआ वो हुआ। ये देखिए अब मैं फ्रिज को देख रही थी, ये फ्रिज की जो कहानी है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगी और ये कभी साफ भी नहीं होगी। इसमें जो है ना हमेशा से वही बिखरा हुआ ही मिलता है, जिस तरह की अलमारी हमेशा बिखरी हुई मिलती है, और सब कुछ इधर उलट पुलट हो गया था। और साथ में मैं कोशिश करी थी इनको सबको समेट लूँ। जी जनाब ये फ्रिज की सफाई जो है वो हो गई थी और अब मैं आ गई थी जो सहन है उसको धोने की तरफ, क्योंकि बाकी काम मैंने समेट लिया था, सिर्फ सहन का जो धोना था वो रह गया था ना। तो ये देखिए अब मैं इसको धो रही थी ताकि ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये जो खिड़कियाँ है ना सहन की तरफ जो खिड़कियाँ है उसको मैं धो रही थी अच्छी तरह से ताकि ये भी साफ़ हो जाए। Thank you.
जी जनाब, ये सफाई का काम जो है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वैक्यूम वगैरह करने के बाद, सब कुछ वगैरह करने के बाद अब मैं फिर से वही सफाई पर लग गई थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इसके हाथ अगर कुछ खा लेता है ना, अगर वो अपने हाथ यहाँ पर किसी भी जगह लगा लेना तो शीशा वगैरह सब कुछ मतलब गंदा हो जाता है फिर से। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अब इसको भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो सुकून ही नहीं मिलता जब तक मैं इसको साफ़ ना कर लूँ ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, सफाई वगैरह करना, और सबसे बड़ा काम जो है शीशा साफ करना, ये भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर भी इसने गंद मचाया हुआ था और यहाँ पर ये पेंटिंग कर रहा था, तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ना करूँ तो ये बहुत ही गंदा लगता है। मतलब मैंने जितनी कोशिश की थी कि आज उतनी अच्छी सफाई मैं ना करूं, लेकिन उतना ही अच्छा सब कुछ हो गया। सब सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई और साथ में मैंने कपड़े भी धो लिए और डीप क्लीनिंग का भी सब कुछ हो गया। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में। तब तक आप सब से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।